जी प्लीज मैजिक करो, इसकी लड़की तो तुमसे प्यार करती है ना, वो तुम्हारी बात मानेगी, इसको बोलो जी प्लीज। जी तुम देख क्या रहे हो, बोलो जी, ये मार देंगे हमें जी। मार देंगे जी। लड़की अच्छी नहीं है, जिसकी पापा इतने बदमाश हो, सोचो उसकी बेटी कैसी होगी। बस सोचो, उसके पापा वे पत्थर से मारने वाले थे और उसके बेटे उसने तो रुका ही नहीं अपने पापा को। ए नहीं, छोड़ आंटी, वेट करे होंगे, चलो जल्दी चलो। हाँ, चलो, 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 चलो। अब क्या करें? अरे ये चाहते क्या है हमसे? जी, हेल्प, हेल्प, हेल्प। पागल हो गए हो क्या? ध्यान से करो, जाओ चलो। जी छोड़ो, मत करो मैजिक, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो तुम। बुद्धू ने कर पाया वो तुमने कर दिया, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो रिया। हाँ रिया, तुम्हारे कसे के नकली शेर ने तो हमें बचा ही लिया। हाँ, लेकिन लेकिन ये आवाज तो असली शेर की थी, मेरा टेप रिकॉर्डर तो अंदर है। व्हाट, मतलब ये आवाज असली शेर की थी? असली शेर? अरे भागो भागो। लेकिन राहुल, राहुल ऐसे कैसे गायब हो गए? राहुल जी मर गए सी, फिर गायब हो गए सी। शर्म मिसेस खन्ना, ऐसी बात कभी मुंह से मत निकालिएगा। राती राती मैंने अपनी इन आँखों से देखा है। तो आपने गलत देखा है, आपकी आँखें कमजोर हो गई है, जाइए उन्हें जाके टेस्ट करवाइए। राती अगर राहुल जी गायब नहीं हुए तो कहाँ है? ठीक है, मैं मानती हूँ कि राहुल इस टाइम घर पर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो बाल तो एक ही होता है रति। पता है हमारे गांव में ना एक आदमी गायब हो गया था, फिर बरसों बाद उसकी लाश मिली। लाश? शरब मिसेस खन्ना, अगर अब आपने इस तरह की बात की ना तो मैं धक्के मार मार कर आपको अपने घर से बाहर निकाल दूंगी, समझ गई ना? रति, मैं ना तेरा दुख समझ दिया, पर क्या हुआ मैं समझाती हूँ। कंप्यूटर की कीज पे ना मैंने ऐसे हाथ मारे, जब हाथ मारे तो अचानक फोन की बेल बजी, तो उसके बाद राहुल जी गायब हो गए। जरूर जरूर कोई गड़बड़ है। मैं भी तो यही कह रही हूँ, गड़बड़ है। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। कर लो, की फर्क पड़ता है, राहुल जी तो गायब हो गए सी, मैं कह रही हूँ। मम्मी, पापा, पापा, पापा।
मम्मी पापा पापा ये हमारी मम्मी है आपकी नहीं मम्मी गॉड क्या प्रॉब्लम है स्टोन एज की ह्यूमन बीइंग को इतनी सी अक्कल नहीं थी क्या इतना सा रिलेशन समझ में आस्था इन दोनों को हमारे साथ स्कूल ले जाना पड़ेगा और प्ले ग्रुप में डालना पड़ेगा जब टीचर इन्हें डांटेगी ना तब इन्हें अक्कल आएगी स्टूपिड ढंग से समझाना प्यार से समझा उनको और क्या रिया तुम हाँ। लव का मीनिंग इतने गुस्से से समझा रही हो ठीक है अब मैं लव का मीनिंग लव से समझाऊंगी ओके पापा 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 मम्मी नहीं पापा नहीं नहीं ये रती 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 बोलो रती रती हाँ ये राहुल बोलो बोलो इनको राहुल रती राहुल राहुल रती राहुल रती राहुल रती चलो मैंने मम्मी पापा को एक चीज तो सिखाई दी प्रिया सचिन पता नहीं हमारे प्रेजेंट के मम्मी पापा क्या कर रहे होंगे पापा को पता नहीं क्या हो गया एक बार कॉल भी नहीं किया आस्था वो फॉर्मूला ढूंढ रहे होंगे उन्हें मिला नहीं होगा अब तक राहुल राती मैंने यहाँ कंप्यूटर की कीप पे हाथ लगाया वहाँ बैल बजी ते राहुल जी गायब देखा हो गया ना इंस्पेक्टर साहब आप भी किन की बातों में आ रहे हैं ये तो ये क्या क्या कहना चाहती हैं आप ये पागल हैं बेवकूफ हैं स्टूपिड हैं मतलब क्या 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 व्हाट एन क्या आप जो मर्जी है मुझे कह लीजिए पर मैं कह रही हूँ राहुल जी गायब हो गए हैं इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ वो मर गए हैं और... मिसेस खन्ना मैंने आपसे कहा है ना कि इस तरह की बातें मत निकालिए अपने मुंह से एक मिनट मिसेस खन्ना आप मुझे कदम दर कदम स्टेप बाय स्टेप सिलसिलेवार बताइए कि आगे क्या हुआ था पहले ना मैं कमरे च कॉफी लेके आई सी वो तो ठीक है आप कॉफी लेकर आई थी और मिस्टर राहुल सोफे पे बैठ के कॉफी पी रहे थे मतलब सोफे पे नहीं बैठे थे कंप्यूटर ही बैठे थे भाई कंप्यूटर के बीच में बैठे थे या कंप्यूटर के ऊपर पहले आपने कहा कि वो कंप्यूटर के बीच में थे दूसरी बार आपने कहा कि वो कंप्यूटर के ऊपर थे और अब आप कह रही हैं कि वो कंप्यूटर के बीच में थे मतलब एक ही है इंस्पेक्टर साहब वो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे थे माना मैंने कि वो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे थे मतलब उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा निकल जाओ घर से वरना मैं तुम्हें धक्के देके निकाल दूंगा धक्के देके घर से बाहर निकाल दूंगा संगीन मामला बदले की भावना मतलब रिवेंज रिवेंज मतलब दुश्मनी सही है बदला दुश्मनी पर किसका बदला किसकी दुश्मनी आपके साथ दुश्मनी आपके नाल दुश्मनी केस साफ है मिसेस रती मिसेस खन्ना का ही हाथ है मिस्टर राहुल को गायब करने में तो मैं भी तो वही कह रही हूँ हाथ तो मेरा ही है मिसेस खन्ना ये आप क्या कह रही राती मैंने तुमसे कहा ना मैंने अपने इन हाथों से कंप्यूटर की कीज दबाई ते फिर बेल बजी ते राहुल जी गायब दोष तो मेरे इन हाथों का है इनफैक्ट हाथों को क्यों दोष दूं मेरी उंगलियों का है मिसेस रती मैंने 20 साल तक की नौकरी करी है मगर ऐसा केस नहीं देखा आप भी किसकी बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप प्लीज जल्दी से मेरी कंप्लेन दर्ज कीजिए और पता लगाइए कि राहुल कहाँ चले गए और अभी तक क्यों नहीं आए खामोश आप लोग मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए और साफ साफ चल के एक एक बयान साफ साफ दीजिए और तुम यहाँ पर बंगले की रखवाली करोगे और देखो बंगले के अंदर कोई घुसना नहीं चाहिए समझे जी तुम भी नहीं समझ गए ना चलिए अरे उधर नहीं इधर कम ऑन चलती हूँ धक्का क्यों मार दिया अरे पहनते नहीं उसे देखो इसे बो बोलते हैं और इसे एरो ओके इस एरो के ऐसे बीच में लेते हैं बीच में इसे खींचते हैं और छोड़ देते हैं अरे उल्टा नहीं सीधा देखो ऐसा तो अरे अंकल हमारी तरफ नहीं जानवर की तरफ जानवर समझे गुड मामा
हृदय के अखियन में है कजरा। ए भाई इधर किधर? अंदर। अंदर? इधर अंदर तो समझ ले, उधर अंदर जेल में सीधा। Are you nuts? ये मेरा ही घर है, मैं इस घर का मालिक हूँ। ए भाई इस घर के मालिक तो उस घर गए, बड़े घर, भगवान के घर, मर गए। Shut up! What nonsense? ए भाई अंग्रेजी नहीं, कहीं उल्टा सीधा कुछ समझ लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हिंदी में बोलता हूँ, इस घर के मालिक मर गए, कानून कभी झूठ नहीं बोलता, समझा क्या? पागल हो तुम? हाँ एक जीते जागते इंसान को मार रहे हो। मैं हूँ राहुल, राहुल सक्सेना, मैं हूँ इस घर का मालिक। वो देखो वो लिखा हुआ दिख रहा तुम्हें? वो बोर्ड पे जो नाम लिखा है राहुल सक्सेना, वो मेरा नाम है। ए भाई मैंने क्या बोला कि इस घर के मालिक मर गए, कानून को कहीं गुस्सा आ गया ना तो सीधा फांसी पर। चल निकल यहाँ से, फट चल। बड़े ठसके से बोल रहा था, मैं इस घर का मालिक हूँ मिस्टर राहुल। कोई चक्कर लगता है, कहीं इसी ने तो इस घर के मालिक का मर्डर नहीं किया था। पकड़ना पड़ेगा, पकड़ता हूं इसको। हेलो सचिन। हेलो अंकल, सचिन यहां, ओवर। सचिन बेटा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे फॉर्मूला जल्द से जल्द मिल जाए, इसीलिए मैं आज एसआरओ साइंस लाइब्रेरी भी गया था, और मुझे यकीन है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। ओके ओवर। पापा आपको फॉर्मूला मिला क्या? ओवर। हाँ बेटा मुझे फॉर्मूला मिल गया है, बस अब मुझे उसे चेक करना है। तुम लोग अपना ख्याल रखना, ओके? मैं फिर कॉन्टेक्ट करूंगा। ओवर। ओके ओवर। सचिन बेटा उस रिमोट को बहुत संभाल के रखना, उस रिमोट में जो रेड बटन है ना, उस रेड बटन को दबाने से ही तुम लोग वापस आओगे। ओके जस्ट रिमेम्बर दैट। ओके ओवर। बाय बाय। ओवर। मुझे जल्द से जल्द बच्चों को वापस लाना होगा किसी भी तरह से। I have to work on the formula. Good papa. Hey, Rati, Rahul. Rahul. आस्था, देखो ये सब संगत का असर। देखो हमेशा गंभीर के साथ रहते तो हो गई ना बुरी संगत। तो इसका मतलब है अगर वो गंभीर अंकल के साथ नहीं रहेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे? हाँ, इनफैक्ट हमें उन्हें समझाना चाहिए कि उन्हें गंभीर के साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम उन्हें समझाएंगे कैसे? सचिन अब सबको समझता है और समझा भी सकता है ना? तुम दोनों
अच्छे हो अच्छे, लेकिन गंभीर गंभीर बहुत गंदा है। ओके हक्का बक्का अच्छे, हक्का बक्का अच्छे, हक्का बक्का अच्छा, हक्का बक्का अच्छा, हक्का बक्का अच्छा, हक्का बक्का अच्छा। क्या है कपड़े हमारे अच्छे लगे? सचिन ये क्या कह रहा है? लगता है इसे हमारे कपड़े बहुत पसंद आ गए हैं। सचिन अगर हमें इनसे दोस्ती करनी है ना तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करें हम? तो क्या दे दो अपने कपड़े। आस्था तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हमारे कपड़े, इसे मैं हमारे घर वापस जा रहा है ना। हाँ तुम्हें आस्तरिया हमें रिमोट लेना ही होगा वरना वापस नहीं जा पाएंगे। पक्का देखो ये रिमोट वापस दो हमें, पक्का रिमोट दो। पक्का ये तुम लोगों के किसी काम का नहीं है, हम इसे प्रेजेंट में जाएंगे प्लीज। अरे ये तो वापस दे ही नहीं रहा है, अब क्या करेंगे? सचिन तुम आस्था से क्यों पूछो, जाओ और छीनो उससे वरना हम यहाँ स्टोनेज में स्टोन बनकर रह जाएंगे। अच्छा एक काम करो तुम दोनों हक्का को पकड़ो। ओके हम पक्का से रिमोट लेते हैं। हाँ हक्का हक्का पक्का